नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर, और आज मैं आपको भारतीय इंजीनियरिंग के चमत्कार के बारे में बताने वाली हूं। इसका नाम है चिनाब ब्रिज। जम्मू और कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने इस रेल ब्रिज से होकर पहली बार ट्रेन गुजरी है। 8 कोच की ये ट्रेन संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी के बीच 86 किलोमीटर लंबे रूट पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। भारत में बने दुनिया के सबसे ऊंचे आइकॉनिक रेल ब्रिज का निर्माण कई मुश्किलों को पार करने के बाद संभव हो पाया है, और सिर्फ एक रेल ब्रिज नहीं है बल्कि किसी भी चुनौती को हराने के संकल्प का प्रतीक भी है। आप इस ब्रिज को करीब से देखेंगे तो समझ भी जाएंगे कि क्यों दुनिया इसे देखकर हैरान नजर आ रही है। चिनाब ब्रिज भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर पेरिस वाला, एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस पुल में एक शानदार स्टील आर्च भी डिजाइन किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। दरअसल आपको बता दें कि आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी। भारी बर्फबारी में कश्मीर घाटी तक सिर्फ नेशनल हाईवे 44 के जरिए जाया जा सकता था। सिर्फ यही रूट था, यही नेशनल हाईवे था। इसके अलावा कश्मीर जाने के लिए जम्मू तवी तक ही ट्रेन जाती थी, जहां पर करीब 350 किलोमीटर यानी कि 350 किलोमीटर लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ता था। देखिए कितना लंबा यह मार्ग हुआ करता था। 2003 में भारत सरकार ने सभी मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का यह अहम फैसला लिया। इस ब्रिज को 2009 तक तैयार होना था, लेकिन यह समय पर तैयार नहीं हो पाया। लेकिन अब 20 साल के बाद यह संभव हो रहा है। इस ब्रिज के निर्माण में कई अन्य बातों का भी ख्याल रखा गया है, ध्यान रखा गया है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप भी झेल सकता है। कितना मजबूत बनाया गया है इसे। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है। इसमें 25,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता है। यहां तक कि -40 डिग्री के तापमान में इस ब्रिज के स्टील का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए कितना मजबूत है ये। अब इसके निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। चिनाब ब्रिज पुल की लागत के बारे में अगर हम बात करें तो पुल का निर्माण 14,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। अब सरकार विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेन चलाने जा रही है। यहां पर ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद घाटी के लोगों का जीवन और आसान हो जाएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप कौन कौन सी खबरें देखना पसंद करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज 18 इंडिया के साथ। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।